नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने पहली बारी मेरे चैनल पर विजिट की है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि आप बाद में इस लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने का सिर्फ मकसद ये होता है कि अगर आप लाइक करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो मेरी पहुँचेगी, अवेयर हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग थैलेसीमिया के बारे में। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे बहुत ही वो कमेंट बॉक्स में लोगों की इंक्वायरी आई है कि क्या जो थैलेसीमिया पेशेंट है, ये PWD सर्टिफिकेट पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या इनको ये जो PWD सर्टिफिकेट है मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो मैं ये पूरा ही आज क्लियर करूंगा इनको कि किन थैलेसीमिया में किन पेशेंट को PWD सर्टिफिकेट मिल सकता है और कौन जो पेशेंट हैं वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, ये जो RPWD एक्ट है 2016 में बना था, इसमें क्या कहा गया था, इसमें रिकॉग्नाइज्ड किया गया था कि तीन जो ब्लड के डिसऑर्डर हैं इनको PWD सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें कि जो फर्स्ट जो ब्लड डिसऑर्डर था वो थैलेसीमिया था, सेकंड था सिकल सेल डिजीज और थर्ड था हीमोफीलिया। इनमें से अगर किसी को भी तीनों में से कोई भी बीमारी होगी तो उनको PWD सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन जो आज की मेरी वीडियो वो स्पेशल क्या है कि थैलेसीमिया पे है। PWD जो सर्टिफिकेट ये उन लोगों को मिलता है जिनको 40% या उससे अबव डिसेबिलिटी हो, उनको ये PWD सर्टिफिकेट मिलता है। अब थैलेसीमिया में क्या है कि अगर आपकी एक साल के अंदर अगर 3 हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, 3 बारी आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तो आप ये थैलेसीमिया के अंडर PWD सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आप थैलेसीमिया मेजर हैं, थैलेसीमिया मेजर पेशेंट को कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको रेगुलर ब्लड ट्रांसमिशन होता है, रेगुलर उनको अगर ब्लड चढ़ता है, तो वो PWD सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको आराम से ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन बहुत ही लोगों का मुझे क्वेश्चन इंक्वायरी आती है कि यहाँ जो बीटा थैलेसीमिया माइनर है, जो थैलेसीमिया माइनर है, क्या उनको PWD सर्टिफिकेट मिल सकता है। लेकिन मैं उनको ये कह सकता हूँ, ये जो मिलना तो उनको भी चाहिए था, क्योंकि इनको भी जो नॉर्मल लाइफ जीने में दिक्कत होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि ये बाकी लोगों की तरह ही नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, सिर्फ थोड़ी मल्टीविटामिन वगैरह लेके, इसलिए इनको ये PWD सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। PWD सर्टिफिकेट थैलेसीमिया माइनर पेशेंट को नहीं मिलके तो सिर्फ थैलेसीमिया मेजर पेशेंट को ही मिलेगा। तो बहुत ही लोगों की इंक्वायरी आई है कि ये वो हम किस तरह, मतलब कौन सा टेस्ट होता है जिससे हमको पता लग सकता है कि हमको थैलेसीमिया है या नहीं। उसके लिए हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करके टेस्ट आता है, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला थैलेसीमिया है। और ये जो थैलेसीमिया की जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि आपको पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। दोस्तों, मैंने आपको पूरा ही क्लियर कर दिया थैलेसीमिया के बारे में कि जिनको थैलेसीमिया मेजर है उनको ये PWD सर्टिफिकेट मिलेगा, जो थैलेसीमिया माइनर है उनको ये PWD सर्टिफिकेट के लिए ना ही अप्लाई करें ना ही उनको मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आपकी कोई थैलेसीमिया के बारे में फर्दर इंक्वायरी होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।